ग्वालियर के अकलागेट इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर दो भाइयों में झगड़े के बाद एक भाई ने दूसरे भाई पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से भाई घायल हुआ है और उसे इलाज के लिए ग्वालियर के जयरोग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। तो वहीं आरोपी मौके से फरार हो चुका है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया है कि ग्वालियर के कोटेवाला मोहल्ला में रहने वाले गोपाल सिंह तोमर और गोविंद सिंह तोमर के बीच संपत्ति विवाद चल रहा है। गोपाल तोमर इस मामले में चल रहे विवाद की जानकारी पुलिस को भी कर चुका है और एक रोज पूर्व जनसुनवाई में भी उसने अपने भाई के खिलाफ आवेदन दिया था। इससे नाराज दूसरे भाई गोविंद सिंह ने आज अपने भाई गोपाल सिंह पर फायरिंग कर गोली लगा दी, जो उसकी पीठ में लगी, जिसके बाद उसे तुरंत पहले जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत गंभीर खतरे से बाहर बताई जा रही है। मरीज के परिजनों का कहना है कि गोविंद तोमर आपराधिक प्रवृत्ति का है और आए दिन गोपाल तोमर के साथ झगड़ा करता था। जनसुनवाई में मामले की शिकायत करने पर उसने यह प्राणघातक हमला किया है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्वालियर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और विवेचन शुरू करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। किस जगह की घटना है ये? ये है तुम्हारे सूरज नमकीन वाला किले गेट की तरफ। कब कितने बजे घटना है ये? हाँ डॉक्टर क्या बता रहे हैं? भाई सब क्या घटना हुई? ये गोपाल सिंह तोमर के गोली लगी है और उसका कहना है कि उसके भाई गोविंद सिंह तोमर ने उसको पीछे से गोली मारी। स्कूटी से वो कोटा वाले मोहल्ले से हजीरा के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसको गोली मार दी। घायल होके वो सिविल अस्पताल हजीरा में गया था, जहाँ से रेफर कर दिया यहाँ पे जीएच के लिए। तो अभी इलाजरत है वो। क्या स्थिति है सर अभी? अभी डॉक्टर साहब का कहना है कि खतरे से बाहर है। क्या विवाद समझ में आया था? इनका कुछ आपस का मकान का विवाद बता रहे हैं आपस में। इससे पहले भी सूचना आई है इनकी तरफ से कोई ऐसी लगी कि ये विवाद हो सकता है? नहीं है इसके बारे में मुझे कुछ। आरोपी व्यक्ति फरार है? हाँ गिरफ्तार हो गया है? नहीं अभी गिरफ्तार नहीं। क्या बैकग्राउंड कुछ पता लगा है आरोपी का? क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह? नहीं अभी ऐसे इसके बारे में कोई। इनका आपस का विवाद है, भाई भाइयों का आपस का जमीन संबंध के लिए विवाद है, उस पर से झगड़ा हुआ है इनका आपस में। क्या करते हैं ये जिनको गोली लगी है? ये जिनको गोली लगी है वो अभी प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं।